आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अब तक हमने सीखा कि किसी ठोस को अन्य ठोस अथवा ठोसों में परिवर्तित करने पर बने ठोस अथवा ठोसों का कुल आयतन पहले ठोस के आयतन के बराबर होता है। आज हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। श्याम एक लोहे के कारखाने में काम करता है, जहां लोहे की अलग अलग आकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। एक दिन श्याम एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लोहे के गोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वाले कुछ शंकु बनाना चाहता है। श्याम द्वारा बनाए गए शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। स्वयं प्रयास करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। प्रश्न से हमें गोले की त्रिज्या माना R तथा बनने वाले नए शंकुओं की त्रिज्या माना R व ऊंचाई H है। तो अब क्या आप बता सकते हैं कि हम किस तरह श्याम द्वारा बनाए गए शंकुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं? हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि यदि किसी ठोस को एक समान माप के छोटे ठोसों में परिवर्तित किया जाए, तो इस प्रकार बने छोटे ठोस के आयतन तथा छोटे ठोसों की कुल संख्या का गुणनफल बड़े ठोस के आयतन के बराबर होता है। यहाँ हमारे पास बड़ा ठोस गोला तथा छोटा ठोस शंकु है, इसलिए हम इस कथन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि गोले व शंकु के आयतन इन सूत्रों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। सभी मान प्रतिस्थापित कर हल करने पर हमें 16 मिलता है। अतः श्याम इस तरह कुल 16 शंकु बनाता है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से बने इस घन को संजना ने 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले इस ठोस में बदल दिया। क्या आप इस ठोस की ऊंचाई बता सकते हैं? माना संजना द्वारा बनाए गए इस नए ठोस की कुल ऊंचाई h है। चित्र से हम देख सकते हैं कि नया ठोस अर्ध गोले व बेलन से मिलकर बना है। चित्र से हम यह भी देख सकते हैं कि इन दोनों ठोसों की त्रिज्याएं बराबर यानी कि 7 सेंटीमीटर है तथा अर्ध गोले के लिए उसकी त्रिज्या ही उसकी ऊंचाई होगी। तो अब बेलन की ऊंचाई क्या होगी? चूंकि ठोस की कुल ऊंचाई h है तथा अर्ध गोलाकार हिस्से की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, इसलिए बेलनाकार हिस्से की ऊंचाई h घटा 7 होगी। क्या आप बता सकते हैं कि अब हमें क्या करना होगा? हम जानते हैं कि एक ठोस को दूसरे ठोस में बदलने पर दोनों ठोसों का आयतन समान ही रहता है। अतः यहाँ घन का आयतन अर्ध गोले और बेलन के आयतन के योग के बराबर होगा। सभी मान प्रतिस्थापित कर हल करने पर हमें h बराबर 10.98 मिलता है। अतः नए ठोस की कुल ऊंचाई 10.98 सेंटीमीटर होगी। आज हमने ठोसों के रूपांतरण पर आधारित उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।